ठीक है, हम अभी जाकर उनसे बात करते हैं और उन्हें बता देंगे कि हमारा इरादा उन्हें ठेस पहुंचाने का नहीं था। शहंशाह, हमें एक मार्ग सूझ रहा है, क्यों ना हमारे स्थान पर रुकाया बेगम सलीम के साथ दुकान पर बैठ जाएं? उनका भी तो अधिकार है सलीम पर। जोधा बेगम ठीक कह रही है शहंशाह। रुकाया, हम आपसे माफी मांगना चाहेंगे, हमने नहीं सोचा था कि। कुछ गलत नहीं सोचा आपने शहंशाह। माए दुकान पर अपने बच्चों को साथ ले जा सकती हैं, है ना? लेकिन अगर सलीम के साथ हम दुकान लगाएंगे और जोधा बेगम उसमें शिरकत ना करें, ये भी नाइंसाफी है। अगर शहंशाह की इजाजत हो, जैसा कि जोधा बेगम ने कहा, सलीम हम दोनों की औलाद है, तो अगर शहंशाह की इजाजत हो तो क्यों ना हम दोनों माएं मिलकर अपने बेटे के साथ एक दुकान लगाएं? बेशक, ये तो बहुत ही उम्दा ख्याल है आपका। आपने तो हमें धर्म संकट से ही बचा लिया रुकिया बेगम। लेकिन आप मेहनत से नहीं बच पाएंगी जोधा बेगम। चलिए, हमें बहुत सारी तैयारियां करनी है, शाम तक का वक्त है हमारे पास, क्योंकि हम चाहते हैं सबसे ज्यादा मुनाफा हमारे बेटे सलीम का हो। पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर। दोनों भाई मिलकर मिठाइयाँ बेचे। आप फिक्र मत करिए अम्मी जान, हम ये सारी मिठाइयाँ बेच देंगे। दानियाल का दिल रखने के लिए शुक्रिया सलीमा बेगम। इसमें शुक्रिया की क्या बात है रुखसार बेगम, दानियाल भी शहंशाह का ही बेटा है, इसे पूरा हक है हम का। मेहताब बेटा, जो भी बिल्कुल सही निशाना लगाएगा ना, उससे इनमें से कोई भी एक इनाम दे देना, समझ गए? इस तांबे के बर्तन में अगर आप रात में पानी भरेंगे और सुबह पिएंगे तो आप तंदुरुस्त रहेंगे। आइए आइए, ये पीतल का बर्तन, और इस पीतल के बर्तन में अगर आप पानी पिएंगे तो आप पाक रहेंगे। आइए 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 आइए, ले जाइए आइए। दुकानें तो बहुत अच्छी सजी हैं, लेकिन सबसे ज्यादा भीड़ वहाँ उस दुकान पर है। चलो चलकर देख लेते हैं, मालूम पड़ जाएगा किसकी दुकान है। रुक गया बेगम, यदि सलीम अपना सारा सामान बेच नहीं पाए तो आप और हम मिलकर इनका सारा सामान खरीद लेंगे। फिक्र ना करें जोधा बेगम, जिस तरह सलीम अपनी दुकानदारी कर रहे हैं, एक सुई तक नहीं बचेगी। वाह शहजादे साहब, बर्तन तो बड़े बेमिसाल है आपके। आपको कौन सा चाहिए, पीतल वाला या तांबे वाला? खरीद तो हम सारे ही लेंगे, हम सब आपसे एक एक बर्तन लेंगे, और बदले में आपको जो भी बर्तन खरीदेगा उनके हाथों को चूमना होगा। वैसे तो ये रिश्वत है, आप हमारे महल के हैं इसलिए हमें ये मंजूर है। हमारा नाम जिलबहार है, हमारे शौहर राशिद मियां तानसेन साहब के साथ तबलची हैं, और ये हमारी बेटी नादिरा। जाइए। आदाब, मेरे शौहर दरबार में सारंगी बजाते हैं और ये हमारी बेटी सकीना। तुम लोग यहाँ पर एकदम महफूज हो, आराम से घूमो फिरो, और जब तुम्हारी सारी खरीदारी पूरी हो जाए तब यहीं दरवाजे पर मिलना, ठीक है? और हाँ, तुम्हारी खरीदारी के लिए और ये आपके लिए। चल सकीना। आज तो मैं अपने सारे पैसे खर्च कर दूंगी, बहुत कुछ खरीदना है मुझे, झुमकी, खाने की चीजें, लड्डू, और हाँ मैं तो एक नई हांडी भी खरीदूंगी। तुम क्या खरीदोगी? देखूंगी, अभी कुछ सोचा नहीं। चलो वहाँ जरा देख तो सही, ऐसा क्या बिक रहा है वहाँ जो इतनी भीड़ लगी है? नहीं,
हमें भीड़ भाड़ अच्छी नहीं लगती। अब चलो भी, चल। वो देखो शहजादे सलीम की दुकान। देखो तो खुद को शहजादा कहता है और यहाँ दुकान में सामान बेच रहा है। अरे बुद्धू, मीना बाजार में ऐसा ही होता है, यहाँ पे सिर्फ बेगमें दुकान लगाती हैं। वो देख दो दो बेगम है शहजादे के साथ। देखो तो कैसे शहजादा है, जो सामान लेते हैं उनका हाथ चूमता है। आज रुकैया बेगम और जोधा बेगम ने फिर से बाजी मार ली। नहीं, ये तो शहजादे सलीम के भोलेपन का कमाल है। लोग यहाँ बर्तन खरीदने नहीं बल्कि शहजादे से बोसा लेने आए हैं। क्यों? शहजादे सलीम की दुकान है, कुछ खरीदोगे नहीं? अरे रुको तो, यहाँ वैसे ही इतनी भीड़ है। चलो ना हम उन दुकानों पे चलते हैं जहाँ भीड़ नहीं है, उनका भी कुछ सामान बिक जाएगा, फिर हमें तो बर्तनों की जरूरत भी नहीं। अरे इतनी भीड़ है वहाँ पे, जरूर बर्तन तो अच्छे ही होंगे ना? ऐसा कुछ नहीं है, शहंशाह का बेटा है ना, इसलिए सारे लोग वहीं पे इकट्ठा हैं। मरियम और जवानी भी वहाँ मौजूद हैं। सब लोग उनकी नजरों में उठने के लिए वहीं जाएंगे ना। चलना हम कहीं और चलते हैं, बहुत भूख लग रही है, खाने की दुकान भी यही होगी ना। चल तांबे के बर्तन, आइए आइए, ये लो मुझे तो बहुत भूख लगी है, ले लो लड्डू ले लो। ये क्या कर रहे हो तुम दानियल? अगर सारी मिठाइयां तुम ही खा जाओगे तो हम बेचेंगे क्या? चिंता मत करो, ये सारे लड्डू मैं ही खरीद लूंगा। क्या कर रहे हो? ये लो सोने की जंजीर और बदले में सारे लड्डू मेरे हुए। तुम अपनी अम्मी जान का तोहफा इन लड्डुओं के लिए बेच रहे हो? भाई मेरे, इन लड्डू के लिए तो मैं तुम्हें भी बेच खाऊंगा। ये तो हम लोग हैं मुराद भाई जान, इन्हें क्या बेचना, हटा ही नहीं ऐसे। जाओ, हमें कुछ नहीं बेचना। मुराद, ये क्या तमीज है, लड़कियों से इस तरह से बात करते हैं? वो खरीदार है ना बेटा, पूछिए उन्हें क्या चाहिए। आपको क्या चाहिए? ये लड्डू और ये जलेबी। मैं हिसाब करता हूँ दानियल, तुम इनका सामान तोलकर बांध दो। क्या है ये, क्या कर रहे हैं आप? जब खरीदार से पूरे पैसे लेते हैं तो उसे सामान भी पूरा देते हैं, समझे? पूरे दो सिक्के। ये लीजिए बेटा। शुक्रिया शुक्रिया। बड़ी अम्मी जान, आप जरा दुकान संभालिए, हम अभी आए। पर सलीम, आप दुकान छोड़कर कहाँ जा सकते हैं, इतने सारे ग्राहक हैं, आप ऐसा नहीं कर सकते। बड़ी अम्मी जान, अभी जान से कह दीजिए, कल इन्होंने हमसे बात नहीं की, आज हम इनसे बात नहीं करेंगे। हाँ तो ठीक है, आपको हमसे बात नहीं करना है, मत कीजिए। आप हमसे खफा है वो भी ठीक है, परंतु ये जो दुकान सजाई है उसका क्या? बड़ी अम्मी जान, तकरीबन हम सब सामान तो बेच ही चुके हैं। हमें भी बोसा दे दीजिए ताकि हम सारा सामान खरीद सकें। पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर।